इनके लब रंगी मिठावर के जिसने कहते हैं कि क्या कुंवारी लड़कियों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। बाज़ घर के अफराद जो है ना बड़ी बूढ़ी ख़वातीन मना करती हैं कि कुंवारी लड़कियों को जिनकी शादी ना हुई हो उनको जो है वो कुरान पाक तहज्जुद की नमाज़ जो है ना रात को नहीं पढ़नी चाहिए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो तहज्जुद की नमाज़ ज़्यादा पढ़ता है उसकी जो है ना वो अक़ल ख़राब हो जाती है, जिन्नात वगैरह उसके ऊपर आसेब का असर हो जाता है वगैरह वगैरह, डराने की कोशिश की जाती है इस तरीके के मामले में। और न जाने कौन सा जिन है कि अब वो तहज्जुद के पढ़ने से जो है ना लोगों को परेशान करेगा, और टीवी वगैरह देखने से, गाने सुनने से, कुफ्रिया गाने के स्टेटस लगाने से वो जिन परेशान नहीं करता, ईमान चले जाने पे वो जिन परेशान नहीं करता, लेकिन जब कोई इबादत की तरफ आता है, नमाजों की तरफ आता है, तो उसको वो जिन परेशान करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के अंदर ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी मशहूर है कि जो तहज्जुद की नमाज़ है वो लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए, शादी से पहले नहीं पढ़नी चाहिए, छोटों को नहीं पढ़नी चाहिए, आधी रात के अंदर इसमें जिन का मामला हो जाता है, जिन का हमला हो जाता है। अब नमाजों के अंदर भी अगर जिन का हमला हो जाएगा तो फिर यानी महफूज क्या चीज़ रहेगी कि अगर नमाज़ पढ़ने ही से अगर ये सारा मामला हो, बल्कि नमाज़ की बरकत से, उसकी रूहानियत से तो मरीज़ के अंदर से इस तरीके के मामले दूर होते हैं। घर के अंदर खैर बरकत होती है, बंदे की रूहानियत और कल्ब के अंदर जो है वो नूरानियत आती है, उसके आमाल अच्छे होते हैं, अकीदे दुरुस्त होते हैं, खुश मिजाज होता है। अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने का बेहतरीन ज़रिया है, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक जाने का सबसे बढ़िया ज़रिया है वो नमाज ही है। सबसे अहम तरीन इबादात के अंदर वो नमाज ही है। तो इसी तरीके से नमाज चाहे नफिल हो या फ़र्ज़ हो, उसके पढ़ने से इस तरीके का कोई मामला नहीं होता। तो ये गलतफहमी है, अगर कोई पढ़ना चाहे, खातून भी अगर कोई पढ़ना चाहे तहज्जुद तो वो पढ़ सकती है, उनको पाबंदी यानी अगर है तहज्जुद की तो उनको जारी रखना चाहिए। अगर वो बिलफर्ज़ कोई कोशिश करना चाहे तो इस डर से अगर नहीं पढ़े कि रात को उसको डर लगता हो, वो उसका एक ज़ाती मसला, अगर उसको कोई रात को उठने में तकलीफ़ है या डर है या लाइट वगैरह बंद होने की वजह से कोई ऐसी दहशत होती है तो अलग चीज़ है, लेकिन इससे नमाज का कोई मसला नहीं है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी शैतान दिल में वसवसे डालता है, मसलन ये कि कोई शख्स अगर तहज्जुद कुछ दिन पढ़ता है और उसके बाद अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर उसको और ज़्यादा ताने दिए जाते हैं कि हमने तो मना ही किया था तेरे को, जिन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तहज्जुद पढ़ने का ही नतीजा है जो तू बीमार पड़ गया। तो किसी के भी अच्छे काम से अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो उसके वसवसों में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। ये जो है ना अकीदे की, नज़रियात की, लोगों की कमज़ोरी है कि अब उनके ईमान कामिल नहीं है कि वो इतनी इतनी चीज़ों के अंदर शक शुबा करते हैं कि अगर किसी वजह से कोई चीज़ छींक आ जाए तो वो बदगुमानी का नाम देना या उसको अशुभ समझ लेना। तो ये सब चीज़ें लोगों के ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। तो तहज्जुद की नमाज़ रात में लड़की लड़के जो पढ़ना चाहे अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए और बहुत फजीलत भी है, और ऐसे वक्त में दुआएं भी कबूल होती हैं। अगर उठने पर कादिर हैं, उठते हैं तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। इसकी कितनी रकात, क्या वक्त, क्या चीज़ होगा, इसकी मैंने तफसीलन दो वीडियो बहुत डिटेल में बना रखी है। अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर टाइप करें सिकंदर वारसी अबाउट तहज्जुद नमाज, तो आपको उसके बारे में और डिटेल जो है ना वीडियो में मिल जाए।